टिकटॉक टिकटॉक चलवा लो इनसे और कोई। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स वे। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे और मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज है अल्हम्दुलिल्लाह 25 तो काफ़ी टाइम होता है कि भूल जाती हूँ यार, कोई बात नहीं, मुझसे भी होती है गलतियाँ, ऐसी बात नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं होती। तो वही आज है 25 रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अभी सहरी के लिए कर लेंगे। अभी सहरी का बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि जो है ना दिल ही नहीं कर रहा था। कल इतना मज़े मज़े के खाने खाकर आए हैं तो कुछ खाने का ही दिल नहीं कर रहा था, अभी तक पुलाव पेट में पड़ा हुआ है। तो आज जो है ना सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल, यानी कि चाय पराठा ही खाएंगे हम इंशाल्लाह सहरी के अंदर। और कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा क्योंकि ना फुल है, फुल मतलब बस फॉर्मेलिटी के तौर पर हम अभी सहरी करेंगे। तो बस अभी चलते हैं और सहरी करते हैं। चाय से ही करेंगे सहरी क्योंकि कभी कुछ भी नहीं दिल कर रहा था, रात का पुलाव पेट में पड़ा है। तो वही चलो सहरी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर चुके हैं और बस आज का दिन का आगाज़ हो चुका है। तो मुर्गा भी बोल रहा है कि भाई उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन अभी तो सोने का टाइम हुआ है भाई बाबू, अभी सोने का टाइम है। तो बस अभी जो है हम सोते हैं इंशाल्लाह, फिर सुबह उठेंगे तो फिर देखते हैं आज का रूटीन क्या होता है और आज का क्या काम होता है, क्या बनने वाला है, कुछ भी नहीं पता, बस अभी उठेंगे तो पता लगेगा। तो चलिए जी मिलते हैं फिर दिन में। आज तुम सारी तैयारियां करना, हम तो जा रहे हैं अंदर घूमने जा रही हैं, तुम अपनी तैयारियां करना। नेल पेंट रिमूव कर लो बेटा, नमाज पढ़ोगी ना अभी, रिमूव करो रिमूव रिमूव करो। कितना फारिग टाइम है तुम लोगों के पास, लगाते हो हटाते हो लगाते हो हटाते हो, कौन कौन है ऐसा फारिग बताओ ज़रा मुझे, मेरे यहाँ तो ये फारिग है मैंने। चलो भैया टिकटॉक चलवा लो इनसे और कोई काम नहीं होते। अब बस अभी हम निकलते हैं, तैयारी कर लेते हैं, सूट सूट निकाल लिया है, बाजी के घर जाएंगे। आज भी हम जा रहे हैं बाजी के घर पे क्योंकि उन्होंने बुलाया था, तो इसलिए वरना नहीं रहते घर में ही रहते हैं खैर से, लेकिन कोई बात नहीं कभी कभी जाते हैं तो बाजी। हाँ जी ये भी काम होते हैं मेरे साथ इन टाइम पर क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में होती हूँ ना। तो बस अभी हम चलते हैं बाजी के घर पर और फिर वहाँ पर मिलेंगे बच्चों के साथ। तैयार हो गए हैं और अब निकलते हैं घर के लिए। जरा क्या बोल रही हैं आप, बोले बोलो अब, क्या दही जमा ली हूँ मैं। क्या क्या कह रही थी बोलो। मुझे मोबाइल सही करवाना है 11 बजे से पहले। ओके गाइस, खुद के लड़कियों जैसे नखरे भाई के खत्म नहीं हो रहे, और हमने जो है ना बेफजूल में बदनाम कर रखा है कि इतना टाइम लगा रही हो इतना टाइम लगा रही हो, जबकि खुद के जो है ना नखरे ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं। या और लड़कों के भी ना नखरे होते हैं बहुत, शूज़ पहनने में कोई 2 घंटे लगाता है क्या, इतनी देर से शूज़ पहनने में लग रहे हैं भाई, बस क्या करें। हमारा भैया भी ना क्या करें, एक है, अगर 5-6 होते तो पता नहीं क्या होता। गैरत जगाने के बाद भाई रात तैयार है, तो बस हम निकलते हैं। चलो फाइनल कितनी तीसरी बार मैं बोल रही हूँ कि निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं, क्योंकि भाई भाई तैयार होगा तो जाएंगे ना, तो बस अभी निकलते हैं भाई एक और बार। बाजी के घर आ चुके हैं और ये हमारा छोटू सा मुन्ना सो रहा है। ये सब अभी लगेगा नहीं। बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई थी क्योंकि बातों में लग गए थे, और फिर यहाँ पर सारी चीज़ें बाजी ने तैयार की और हम अब इफ्तार के लिए बैठ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 25th इफ्तार हम कर रहे हैं बाजी के घर पर और अब मिलेंगे घर पे। हमारी 25th विश अल्हम्दुलिल्लाह।
आ चुके हैं घर पर और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा दिन। तो वहाँ पर जाके बस बच्चों के साथ लग गए थे तो वो ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाई ना, तो बस यही रूटीन रही। और आज बहुत मज़ा आया वहाँ पर भी इफ्तार पार्टी में। दो दिन से हम इफ्तार घर में नहीं कर रहे, मतलब कि बाहर थी, लेकिन बहुत अच्छा रहा दो दिन। और बस अब इंशाल्लाह बस सफाइयाँ स्टार्ट होंगी घर की और फिर ईद की तैयारियाँ भी स्टार्ट करनी है। तो फिर अब देखते हैं कि कब तक ईद होती है, कि जुम्मे या हफ्ता, देखते मैं भी कि कब भी हो, कभी भी हो सकती है। तो बस यही था आज का ब्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।